बचपन की मासूमियत कर्ज, दबाव और मजबूरी में दब गई है। कई क्षेत्रों में प्रगति होने के बावजूद समाज में बाल मजदूरी, लालच और दबाव के दृश्य देखने को मिलते हैं। समाज में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो ऐसे नागरिक बने जिन पर देश को गर्व हो। इस बदलाव को अमल में लाने के लिए हर किसी को अपने अपने स्तर पर सहायता करनी चाहिए। हमारी यही तमन्ना है कि हर बच्चे की आसमां को छूने की ख्वाहिश पूरी हो और वो अपने ख्वाबों को हासिल कर। तुम तो गए कमल नारायण। दरवाजे को क्या हो गया? ये खुल क्यों नहीं रहा? जब हम अंदर आए थे तब तो बाहर कोई नहीं था, फिर इस दरवाजे को बाहर से बंद किसने किया? दरवाजा खोलो, दरवाजा। कहीं कमल नारायण के आदमियों ने तो हमें बंद नहीं कर दिया? अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हो कि कमल नारायण और रागिनी जानते हैं कि हम यहाँ आने वाले। हीड़क बाबा, कहीं ये लोग हमें फंसाने की कोई साजिश तो नहीं कर रहे? सूरज वहां अकेला है, पता नहीं क्या हो रहा होगा। रागिनी और कमल नारायण मिलकर उसे मार ही देंगे। हम क्या करें, क्या करें? आप यहाँ क्या कर रही हैं? रंजना कहाँ है? वो आपको ढूंढती हुई वहाँ चली गई है अड्डे पर। पापा, रंजना माँ अभी भी वहीं है, हम तो डॉक्टर के पास से आ रहे हैं। हाँ, बताया था, रंजना ने बताया था हमें। एक काम कीजिए, आप कमरे में जाकर आराम कीजिए, सूरज के साथ क्या करना है हम देख लेंगे, जाइए बेटा। तो आप जानते हैं कि सूरज वहाँ पर वो जेलर के साथ आपकी पुरानी फैक्ट्री में? आप भी जानती? हाँ, हम तो पहले से जानते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, हम चलते हैं। क्या है, सूरज अगर उस जेलर को लेकर कोर्ट पहुंचता है तो बहुत बुरा हो सकता है, हमें वहां पहुंचना बहुत जरूरी है बेटा। पापा, कोई जल्दी नहीं है, आपको जो चाहिए सब बैठे बैठे मिल जाएगा। इस बार जो हमने प्लानिंग की है पापा, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। हमने कहा था ना पापा आपसे, सूरज की मौत ऐसी होगी कि किसी को हम पर शक नहीं होगा। क्या? जी पापा, देखिए सूरज अब चंद मिनटों का मेहमान है। सूरज को अब जल्दी से मार डालो। हमने सूरज को मारने का हुक्म दे दिया है। पापा, हमने आपको इतनी बड़ी खुशखबरी दी कि वो सूरज मरने वाला, और आपने आपने हमें थप्पड़ मारा। अब भी तो यही चाहते थे कि सूरज मर जाए। अगर आप जानती कि हम क्या चाहते हैं तो आप सूरज को मारने का हुक्म नहीं देती, समझे? सबसे पहले हमको सूरज से उसका फोन लेना ताकि वो किसी को कॉल ना कर पाए। सूरज बाबू, एक बार चकोर वो सबूत लेकर आ गई, फिर क्या करेंगे? एक बार सारे सबूत हमारे पास आ जाएं, तो हम किसी जज के पास जाके वो सारे सबूत उन्हें थमा देंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा।
इसके बाद कमल नारायण और रागिनी को कोई नहीं बचा पाएगा। पर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? कमल नारायण के आदमी तो चारों तरफ फैले होंगे, और उन्होंने चकोर को पकड़ लिया तो? हाँ, ठीक कह रहे हो। हम एक काम करते हैं, चकोर के आने से पहले एक बार जाकर चेक कर लेते हैं कोई यहाँ पर है तो नहीं। सूरज बाबू, आपका फोन मिलेगा? तो क्या है कि हमें एक रिश्तेदार को फोन करना है, हमें भी तो छुपने का इंतजाम करना होगा। अब ठीक तो है ना यादव साहब? हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। देखिए, चकोर का फोन आने वाला है हमें कभी भी, आप बाद में फोन कर लेंगे। नहीं नहीं, बहुत देर हो जाएगी, वो हमारे रिश्तेदार रात को जल्दी सो जाते हैं। वो क्या है कि कमल नारायण जब तक जेल नहीं पहुंच जाते, हमें सतर्क करना होगा। लो, कर लो। कपाल, कहाँ हैं आप? कहाँ ढूंढे हम आपका? हम बांधते हैं कोई बड़ी बात होगी इसलिए हम हमसे बात नहीं करें, हमारा फोन नहीं उठा रहे। और हम कहाँ करें, किससे पूछे, कहाँ पूछे कि कहाँ है हमारा व्यवहार? हाय, आपका इस तरह तंग कर रहे हैं, हमसे बात कीजिए, कहीं हमरे कहीं अपने व्यवहार को कुछ हो तो नहीं क्या? नहीं रौनक, रौनक, विवान दोबारा ऑफिस आया है क्या? विवान? नहीं तो हम तो अपने घर आ गए हैं, और विवान जब से ऑफिस से निकला है तब से उससे कोई बात नहीं हुई हमारी। इमली भाभी, विवान अगर अभी तक घर नहीं पहुंचा है तो इसका मतलब बात बहुत गंभीर है। कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया ना, या वो रागिनी ने कहीं उसे उठा तो नहीं लिया? वो ये सब कर सकती है, इमली भाभी हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। मेरे विवान को कच्चा नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। सुना तुमने, हम लोग उनका पूछताछ कर रहे थे, कछु नहीं हुआ, नहीं कछु नहीं हुआ विवान को। ये रौनक तो बुद्धू है, कछु भी बोलता रहता है। रागिनी काहे मारेगी हमरे विवान को? अगर रागिनी ने हमरे विवान को छुआ तक होगा ना, तो हम उनकी बोटी बोटी अलग कर देंगे। हे भगवान, मेरे विवान को सही सलामत रखना, सुरक्षित रखना। रागिनी, आप शायद भूल रही हैं, इस हवेली में सिर्फ हमारा हुक्म चलता है, इसे जिंदा रहना है किसे मरना है, इसका फैसला यह इंसान करता है। कमल नारायण राजवंशी यह फैसला करता है। ये आजादगंज में जितने भी लोग रहते हैं ना, उनकी तकदीर हम लिखते हैं। आपको हमने हमारे सर पर बिठा लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी करें। इसकी इजाजत हम किसी को नहीं देंगे, आपको भी नहीं। भले ही आप हमारी लाडली है, लेकिन आपको इसकी इजाजत नहीं है। ऐसा क्या गलत किया पापा हमने? पापा, सब कुछ वो जेलर करेगा, वो सूरज को मारेगा, वो इल्जाम अपने सर पर लेगा, वो जेल जाएगा, आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। यकीन मानिए पापा हमारी बात का, वो जेलर अपने बीवी और बच्चे के लिए सूरज को मार सकता है। हमें अपने बीवी और बच्चे को बचाने के लिए सूरज को खत्म करना ही होगा। उसके अंदर आते ही हम उसे मार देंगे। चकोर, अब तुम्हारी जरूरत नहीं।
सूरज अब हम तैयार हैं। सब चीजें तैयार हैं सूरज की मौत के लिए। और आप, अगर आपको इस बात का डर है कि वो जेलर जब जेल में जाएगा तो हमारी सच्चाई बता देगा, पापा हमने इस बात की भी प्लानिंग कर रखी है। वो जेलर उस सूरज को खत्म करेगा तो हम उस जेलर को, उसके बीवी को, उसके बच्चे को वहीं खत्म कर देंगे। और जहां तक पापा उस चकोर का सवाल है, वो मीडिया वालों के सामने साबित ही नहीं कर पाएगी कि इसके पीछे हम हैं। पापा हमने सब कुछ ऐसे किया जैसे आपकी सोच, हर कदम वैसे रखा, लेकिन आपने क्या किया, हमें थप्पड़ मारा। सुनिए यहीं खड़ी रहिए और ये बात जान लीजिए, हम नहीं चाहते हैं कि वो जेलर सूरज को मारे, बल्कि हम चाहते ही नहीं कि सूरज मर जाए। सूरज को हम जिंदा रखना चाहते हैं, जिंदा। आप सच में सूरज को जिंदा रखना चाहते हैं? जिंदा रखना चाहते हैं सूरज को। इसे मरना चाहिए था, वो अभी तक जिंदा है, वो जेलर सांस ले रहा है अब तक, क्यों? चलिए फोन लगाइए उस जेलर को और उससे कहिए कि वो सूरज को ना मारे। चलिए फोन लगाइए। क्या हुआ, आप खड़ी क्यों हैं? फोन लगाइए। नहीं पापा, हम ये नहीं कर सकते। क्या? आपने सही सुना, हम ये नहीं कर सकते। अगर हम अपना कहा नहीं करेंगे तो हमारी क्या इज्जत रहेगी? हमने आज तक जो हुक्म दिया है उसे कभी भी वापस नहीं लिया, तो आज भी नहीं लेंगे। वो फैसले जो कमल नारायण राजवंशी के खिलाफ होते हैं उन्हें बदलना पड़ता है। हम जो कह रहे हैं आपको, अगर आप वो नहीं करेंगे उसका अंजाम जानती हैं आप। चलिए फोन लगाइए और सूरज को मारने का हुक्म वापस ले लीजिए। चलिए जल्दी। पापा क्या आप रागिनी, जो कमल जी कह रहे हैं वही करो, फोन लगाओ। पापा क्या आप उस सूरज को जिंदा छोड़ देंगे? आप उस सूरज को माफ कैसे कर सकते? माफ? कौन माफ कर रहा है? हम उसे माफ करेंगे? हम भरते दम तक उस चूहे को माफ नहीं करेंगे। हम उसे ऐसी जिंदगी देंगे जो मौत से भी भयानक होगी। वो हमसे मौत की भीख मांगेगा, वो भी हम उसे देंगे नहीं। ना, ना। मौत से बदतर क्या सजा होगी पापा, हम बताते हैं। रागिनी, आपने कुछ काम ऐसे किए हैं हमें बिना बताए, हमारे दिमाग में भी कुछ प्लान है जो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन करेंगे, जरूर करके दिखाएंगे। चलिए फोन लगाइए उस जेलर को। ठीक है, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो यही सही। ये क्या कर रही हैं? मैसेज किसे भेज रही हैं? कॉल कीजिए। पापा सूरज वहां साथ ही में होगा तो उसे शक हो जाएगा, इसीलिए मैसेज कर रहे हैं। माफ करना पापा, हमें आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है। हमें ऐसा लगता है कि शायद आप में सही निर्णय लेने की शक्ति ही कम हो गई है। आप भूल चुके हैं कि जेल से निकलने के बाद आप सबसे पहले सूरज को मारना चाहते थे। सूरज का मरना हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो जिंदा बच गया तो आपको तो जेल भेज ही देगा, हमसे हमारी सत्ता भी छीन लेगा, और ये हम होने नहीं देंगे। आज के थप्पड़ के बाद तो हरगिज़ नहीं, सूरज को मरना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी सत्ता का अगर कोई उत्तराधिकारी है तो वो हम हैं, रागिनी राजवंशी।
ये सूरज का फोन बंद क्यों आ रहा है? थोड़ी देर पहले तुमने उससे बात की थी, क्या करें हम? सूरज ठीक तो है? अगर अगर कमल नारायण वहां पहुंच गया और उसने सूरज को कुछ कर दिया तो? हेडक पापा, हमारी सहायता करो, हम क्या करें? ये रिकॉर्डिंग लेकर बाहर कैसे निकले? इस टेप में क्या है वो राज तो हम सुन ले। कैसी हो तुम चकोर? हैरान हो गई हमारी आवाज सुनकर? हाँ, तुझे बहुत बुरा लग रहा होगा ना, तू इतनी मुश्किल से यहाँ सबूत लेने आई और मिला क्या? तेरी बेवकूफी का सबूत। क्या करें, हम कोई काम ऐसे करते ही नहीं जिससे सबूत पीछे बच जाए। जो टेप जेलर के पास थे वो तो हमने कब के खत्म कर दिए। ये रिकॉर्डिंग तेरे लिए खास की थी ताकि हम सूरत से तुझे दूर कर सके, और अब तू वहां बैठकर आराम कर और हम यहाँ अपने प्यारे भाई की जान लेंगे प्यार से। अब तू कुछ नहीं कर सकेगी, सूरज को नहीं बचा पाएगी। और मेहमान हमसे बात कीजिए, आपको अगर हमसे कुछ बड़ा बुरा कहना है तो सब कह दीजिए, लेकिन इस तरह दूर रहकर आपका सजा नहीं दीजिए मेहमान, हम नहीं रह सकते आपके बिना। हमसे बात कीजिए। विवान, ली कहाँ है तू? हम कब से तुझे फोन लगा रहे हैं, ना तू फोन उठा रही है ना विवान फोन उठा रहा है, कहाँ हो तुम लोग? अब दीदी बस अब घर पर ही थे और विवान अब तक आए नहीं ऑफिस से, तो इसलिए थोड़े परेशान थे। क्या बात है, तो रिवाजो सब कुछ ठीक है ना? नहीं इमली, कुछ ठीक नहीं है। हमारी बात ध्यान से सुन। इमली तो समझ गई ना, हम यहाँ से नहीं निकल सकते। इससे पहले कि कमल नारायण और रागिनी वहां पहुंचकर सूरज को मार दे, तुझे वहां पहुंचकर उसे बचाना होगा। हम यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर तू अभी के अभी हवेली से बाहर निकल और जाकर सूरज को बचा। सूरज और जेलर यादव कमल नारायण की पुरानी फैक्ट्री में है। प्लीज इमली, जाकर सूरज को बचा ले। हाँ दीदी, का समझ में आई गवा कि हमका क्या करना, हम अभी निकल के आ रहे। का माफ करना बेबा, हमका याद है कि आपने हमसे कहा था पिस्तौल नहीं उठाना। माफ करना कि हम हमारा एक वादा तोड़ रहे हैं, हमारी मजबूरी है स्थिति पर हमका पिस्तौल निकाले का पड़ी। चिंता की कोई बात नहीं है, हमने सारा इलाका देख लिया, कमल नारायण के आदमी वहां पर नहीं है और हमें नहीं लगता कि वो हमें ढूंढ पाएंगे, और अगर वो हमें ढूंढ भी लेते हैं तो हमने एक खुफिया रास्ता ढूंढ लिया, हम निकल जाएंगे। बस एक बार चकोर आ जाए आपके घर से सबूत लेकर। चकोर का फोन आया था? कोई फोन नहीं आया था और ना ही अब आएगा। क्या मतलब? ना तो फोन आएगा और ना ही तुम फोन उठाने के लिए जिंदा बचोगे।